चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है, 2x plus y minus 3 dy is equal to x plus 2y minus 3 dx। सबसे पहले आप dy by dx निकालेंगे, वो निकल के आ जाएगा x plus 2y minus 3 upon 2x plus y minus 3। ये dy by dx आ गया। अब मैं देख के पहचान पा रहा हूं कि 1, 2, 2 और 1, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो -3 आ रहा है, मतलब वो जीरो नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन भी हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस k। ये सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। अब चलिए सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। देखिएगा, जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो dy by dx किसके बराबर हो जाएगा, dy by dx is equal to, यहां पर हो जाएगा x plus h plus twice of y plus k minus 3 अपॉन में क्या आएगा, twice of x plus h, y की जगह y plus k और साथ में क्या है, minus 3। इतना आ गया। अब आगे dy by dx, कैपिटल y और कैपिटल x है, ये हो जाएगा x प्लस 2y, अब बाकी बचा है h प्लस 2k माइनस 3 अपॉन, ये हो जाएगा 2x प्लस 2h और प्लस y है। अच्छा, मैं 2h को बाद में लिखूंगा, पहले मैं y को लिखता हूं। x और y के टर्म्स को हम पहले लिखते हैं, फिर जो कांस्टेंट है उनको हम एक साथ लिख के उनको, क्योंकि हमें कांस्टेंट को वैसे भी जीरो ही करना, हमारी अप्रोच यही है क्वेश्चन को हल करने की। 2x है, y है, अब अच्छा इसके बाद एक बचेगा मेरे पास 2h, एक बचेगा मेरे पास k और एक है माइनस 3। इतना हो गया। अब कांस्टेंट को हमें करना है जीरो, कांस्टेंट को जीरो करना है मतलब पहले वाले में h प्लस 2k माइनस 3 को आप जीरो रखेंगे, दूसरे वाले में 2h प्लस k माइनस 3 को जीरो रखेंगे। अब अगर एलिमिनेशन लगाना चाहते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2h प्लस 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और यहां पर हो जाएगा 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये हो गया कैंसिल आउट, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब k इज इक्वल टू आएगा 1। k की वैल्यू 1 में किसी भी एक इक्वेशन में रख सकता हूं, जैसे पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे तो h प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब h इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। मेरे पास h और k दोनों ही क्या निकल के आ रहे हैं, 1 निकल के आ रहे हैं। अभी तक हमने h और k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब बढ़ते हैं आगे। इतना करने के बाद जो मेरे पास ये जो दो टर्म्स हैं इनको जीरो करने पे मेरे पास फाइनल इक्वेशन बचा था dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन में क्या बचेगा, 2x प्लस वाई, ये बचा। अब आती है बारी सब्स्टिट्यूशन की, कि आप जानते हो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गए तो y इज इक्वल टू v इंटू x रखेंगे और dy by dx को हम क्या रखेंगे, v प्लस x dv by dx, ये सब्स्टिट्यूशन हमें पता है। तो चलिए फटाफट से सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। dy by dx की जगह मैंने क्या रखा, मैंने रखा v प्लस x dv by dx is equal to x plus 2vx upon twice of x plus vx। x की जगह तो हमें x ही रखना है, y की जगह हमें क्या रखना, vx। अब आप कहेंगे कि सर x तो कॉमन आके पूरे में से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर x कैंसल आउट हो गया तो मेरे पास क्या बचा, x dv by dx is equal to, यहां बचा ऊपर 1 plus 2v और अपॉन में बचा है 2 plus v और ये जो plus v था वो इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो x dv by dx is equal to 1 plus 2v और minus 2v minus v square upon 2 plus v, 2v से 2v कटा। अब मेरे पास जो फाइनल चीज बची हुई है वो क्या बची हुई है, मेरे पास बचा हुआ है
अब मैं वेरिएबल सेपरेबल लगाने वाला हूँ, पर एक बार और एक इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस वी, ये निकल के आ गया। अच्छा, इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल जब आप लगाओगे तो ये टर्म चली जाएगी ऊपर, मतलब टू प्लस वी अपॉन में वन माइनस वी स्क्वायर, ये हो गया डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स, इतना हो गया। अब आप करेंगे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने के लिए भी आप एक बार तो इनको सेपरेट सेपरेट करके लिख दो, मतलब टू अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर लिखो एक बार, फिर एक बार आप क्या लिखेंगे डी वी आएगा साथ में, और एक बार क्या लिखेंगे आप वी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर, ये आप लिखेंगे साथ में डी वी, और इज इक्वल टू क्या है डी एक्स अपॉन एक्स है। अब इतना आपने लिखा, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन तो हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यहां हम सब्सटीट्यूशन करेंगे कैसे कि इसमें तो टू डी वी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर हो गया, पर यहां अगर आप पुट वन माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी कर दें तो माइनस ऑफ टू वी डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, तो वी डी वी किसके बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस टू के बराबर हो जाएगा, वी डी वी की जगह माइनस ऑफ डी टी बाय टू। तो मैंने वही किया कि चलिए ये टू डी वी बाय वन माइनस वी स्क्वायर तो एज इट इज, ये हो जाएगा डी टी बाय माइनस टू, तो मैं माइनस वन बाय टू लिख देता हूं, और ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू, यहां पर डी एक्स अपॉन एक्स है, क्या है यहां पर डी एक्स अपॉन एक्स है, इतना हो गया डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन होता है सीधा सीधा वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस वी अपॉन ए माइनस वी माइनस वन बाय टू लॉग टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ, कांस्टेंट भी लगेगा तो मैंने उसे लॉग से लिख दिया, टू से टू कैंसल आउट, तो कुल मिला के मेरे पास ये हो गया लॉग वन माइनस सॉरी वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, अब पावर में वन बाय टू चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ टी टू द पावर माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू सी, क्योंकि हम जानते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला। यहां पर भी वही होगा, लॉग एक हो जाएगा वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी इंटू में टी टू द पावर माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स सी। अब लॉग एलिमिनेट हो जाएगा यहां से, अब टी की पावर वन बाय टू है, टी मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने टी लिया हुआ है वन माइनस वी स्क्वायर। अब आप बहुत ध्यान से समझें कि वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, टी की पावर माइनस वन बाय टू मतलब अंडर रूट ऑफ हो जाएगा टी, टी मतलब क्या हो जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर, नेगेटिव पावर है ना इसलिए अपॉन में लेके आ गए हैं हम, इज इक्वल टू क्या बचा है एक एक्स बचा और एक बचा है सी। अब आप कर दीजिए पूरी इक्वेशन का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस वी का भी स्क्वायर होगा, वन माइनस वी का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहां रूट हट जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। इतना करने के बाद ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहां पे लगाएंगे तो वन प्लस वी का स्क्वायर ऊपर है, वन माइनस वी का होल स्क्वायर नीचे है, अब यहां लगेगा वन प्लस वी इंटू वन माइनस वी इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। अब जिससे एक वन प्लस वी तो कैंसल आउट हो गया, तो ऊपर सिर्फ वन प्लस वी बचेगा, नीचे वन माइनस वी का क्या हो जाएगा भाई क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स सी। अब वी की जगह आप क्या रखेंगे, अब हमने जो सब्सटीट्यूशन किया है कि वाई इज इक्वल टू क्या रखा था हमने वी एक्स, तो वी की जगह मैं क्या रखूंगा, वी रखूंगा मैं वाई बाय एक्स, यहीं से इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो कि हम होमोजीनियस में करते हैं, तो वन प्लस वी की जगह आएगा वाई बाय एक्स, वन माइनस वाई बाय एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एक्स सी। अच्छा, जब मैंने स्क्वायर किया था तो मैंने यहां पर स्क्वायर नहीं लगाया, स्क्वायर किया तो भाई यहां पर भी तो क्या हो जाएंगे, ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा, इस बात का छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है कि जब हमने स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर भी हो जाएगा, इस वाले टर्म का हमने स्क्वायर कर दिया था। अब एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का क्यूब, अब अपॉन वाला एक्स मैंने यहां लिखा और यहां का जो एक्स क्यूब है वो ऊपर चला जाएगा एक्स क्यूब,
एक एक्स नीचे आएगा भाई, ये वाला एक्स नीचे और इसका जो एक्स क्यूब वो तो ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। एक्स से एक्स कटा, स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गया, मेरे पास बचा है सिर्फ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को फर्दर में क्या लिख सकता हूं, एक और नया कॉन्स्टेंट लिख सकता हूं, मैं के लिख सकता हूं चाहो तो, पर हमने जो x है वो किसके बराबर रखा है, कैपिटल x, कैपिटल x किसके बराबर आएगा, x माइनस h के बराबर, और कैपिटल y किसके बराबर, y माइनस k के बराबर। अभी ये वैल्यू रखना बाकी है, तो अब जब मैं वैल्यू रखूंगा इंप्लाइज दैट कैपिटल x की जगह मैं क्या रखूंगा, x माइनस h, h की वैल्यू मैंने क्या निकाली, h बराबर मेरे पास 1 है, y की जगह हो जाएगा y माइनस k, y k भी 1 है, अपॉन x माइनस 1 माइनस वाई माइनस वन, इसका डिनोमिनेटर का है होल क्यूब इज इक्वल टू सी स्क्वायर को मैंने नया कांस्टेंट के बोल दिया। तो ऊपर तो सीधा सीधा क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस टू अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू के, क्योंकि भाई जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक्स माइनस वाई बचेगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन थी नहीं, तो होमोजीनियस बनाने के लिए हमने दो सब्स्टिट्यूशन किए, जिसमें कांस्टेंट टर्म को जीरो करते से एच और के की वैल्यू आ जाती है, फिर वी की जगह हम वाई की जगह वी एक्स रखते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, जो कि हम होमोजीनियस में करते ही हैं। ये सिंप्लीफाई किया, वेरिएबल सेपरेबल लगाया, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद जो टी है उसकी वैल्यू रखी है वी की फॉर्म में, फिर जो वी है उसकी वैल्यू रखी है वाई और एक्स की फॉर्म में, फिर जो y और x है उसकी वैल्यू रखेंगे आप h और k के फॉर्म में, तब जाकर आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में आपको दिया है 2x minus 5y plus 3 dx is equal to, अच्छा minus 2x plus 4y minus 6 dy है is equal to 0। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 2x minus 5y plus 3 dx is equal to 2x plus 4y minus 6 dy। तो यहां से हमने dy by dx की वैल्यू निकाल ली, dy by dx क्या आ जाएगा, ये dx आएगा अपॉन में और ये टर्म आ जाएगा अपॉन में, 2x minus 5y plus 3 रहेगा न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर में 2x plus 4y minus 6। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट चेक करूं, यहां पर ही चेक कर लेते हैं, 2 minus 5, 2 और 4 कितना आ रहा है, 8 plus 10 not equal to 0, 0 तो नहीं है, मतलब substitution हमें करना पड़ेगा। substitution क्या करना पड़ेगा, x is equal to x plus h और y is equal to क्या रखना पड़ेगा, y plus k, ये दो substitutions हमें करने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले dy by dx हो जाएगा is equal to 2 x plus h 5 y plus k plus 3 upon 2 times of x plus h 4 y plus k minus 6, इतना हो गया। तो x की जगह x plus h है और y की जगह क्या है, y plus k है। सिंप्लीफाई करेंगे तो dy by dx जो निकल के आएगा वो आएगा 2x minus of 5y और साथ में क्या आएगा, प्लस 2h आएगा, माइनस 5k आएगा और प्लस क्या आएगा, 3 अपॉन में 2x है प्लस 4y है प्लस आएगा 2h प्लस आएगा 4k और माइनस क्या आएगा, 6, इतना। अब मैं ये जानता हूं कि कांस्टेंट को हमें सीधा सीधा जीरो रखना है, मतलब 2h माइनस 5k प्लस 3 को भी आप क्या रखेंगे, जीरो, और इसके अलावा 2h प्लस 4k माइनस 6 को भी आप क्या रखेंगे, जीरो, और दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट अगर आप माइनस कर दें तो आपका 2h एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास सीधा सीधा, क्योंकि मैंने सीधा सीधा दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9k और यहां पर क्या बचेगा, प्लस 9 बराबर 0, तो k इज इक्वल टू मेरे पास 1 निकल के आ जाएगा। k कितना निकल के आ रहा है, 1। अब k की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख दूं, सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा twice of h minus 5 times of k plus 3 is equal to 0 है, इसका मतलब 2h minus 2 is equal to 0, तो यहां से h is equal to भी क्या आ जाएगा, 1, तो k भी 1 है
और एच भी मेरे पास वन है। तो एच और के ये तो हम बाद में यूज करेंगे, पर फिलहाल ये टर्म्स तो जीरो हो गए। अगर आप के और एच रखोगे भी तो भी ये दोनों जीरो बन जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन हमारी है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव वाई अपॉन में हो गया टू एक्स प्लस फोर वाई, ये हो गया। अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन आपका क्या काम करेगा, सब्स्टिट्यूशन आपका काम करेगा y इज इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या काम करेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये सब्स्टिट्यूशन आपका काम करेगा। चलिए सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरे पास इक्वेशन बनेगी डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ गया मेरे पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 2x और माइनस 5 टाइम्स ऑफ वी एक्स अपॉन यहां पर हो जाएगा 2x और प्लस 4 टाइम्स ऑफ वी एक्स, क्योंकि y की जगह हम वैल्यू रख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर x तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, x कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको हटा दीजिए। अब मेरे पास बचा हुआ है v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू टू माइनस फाइव वी अपॉन टू प्लस फोर वी, इतना हो गया। अब v को जब मैं साइड चेंज करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, x डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू टू माइनस फाइव वी अपॉन टू प्लस फोर वी, ये जो प्लस वी है इधर आके हो गया माइनस। तो x dv by dx की जो मेरे पास वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, इज इक्वल टू आप लेंगे LCM 2 माइनस 5v, LCM लेंगे तो माइनस का 2v हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का ही 4v स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 2 प्लस 4v, इतना आ गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो x dv by dx इज इक्वल टू, अब माइनस फोर वी स्क्वायर तो चलिए है ही, माइनस का हो जाएगा सेवन वी और क्या हो जाएगा प्लस टू, अपॉन में हो जाएगा मेरे पास टू वी सॉरी टू प्लस फोर वी ऐसा कुछ। अब अगर मैं यहां पर से माइनस साइन कॉमन ले लू, यहां स्क्वायर है, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लू तो एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लेने के बाद बचेगा फोर वी स्क्वायर प्लस सेवन वी और माइनस का टू बचेगा अपॉन में, अगर मैं टू कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा वन प्लस टू वी, इतना हो गया। हालांकि मैं इसको मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकता हूं एट और माइनस वी में, एट वी और माइनस वी में आप उसे ब्रेक कर सकते हैं, पर फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, फिलहाल हम ऐसा करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं। तो टू टाइम्स ऑफ वन प्लस टू वी अपॉन में आ जाएगा पूरा का पूरा टर्म फोर वी स्क्वायर प्लस सेवन वी माइनस टू डी वी इंटीग्रेशन, और यहां क्या बचेगा माइनस ऑफ डी एक्स बाय एक्स इंटीग्रेशन, ये है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो डिनोमिनेटर, अच्छा एक काम करते हैं, ये जो टू है इसको भी यहां से हटा देते हैं, टू को यहां नहीं रखते अपन, टू को यहां वन बाय टू ही रखते हैं, वन बाय टू विद माइनस साइन, माइनस साइन तो एक था ही, मैंने टू को यहां अपॉन में ही रखा क्योंकि इस साइड जितना कम कॉम्प्लेक्स हो उतनी अच्छी बात है, इस साइड तो देखिए वैसे ही बेसिक चीज है, यहां पर जो है डिफिकल्टी हम घटाने की कोशिश करेंगे। अब या तो मैं इसको मिडल टर्म को ब्रेक कर सकता हूं, मिडल टर्म को स्प्लिट करके भी कर सकता हूं, फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया क्या करते हैं कि हम इसे लिखते हैं न्यूमिरेटर को, मतलब वन प्लस टू वी को क्या लिखते हैं, a into d by dv differentiation of denominator, मतलब 4v square plus 7v minus 2 plus b, ऐसा हम ब्रेक करेंगे। तो 1 plus 2v is equal to a, ये हो जाएगा 8v plus 7 plus b, ऐसा। तो अगर ध्यान दिया जाए तो 1 plus 2v is equal to 8av plus 7a plus b। अब आगे बढ़ते हैं, और तो
अगर मैं v के कोफिशिएंट को कंपेयर करूं तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास है 2, राइट साइड पे मेरे पास है 8a, तो यहां से a तो मेरे पास 1/4 आ गया। कांस्टेंट की बात करो तो 7a प्लस b है, कांस्टेंट कितना है मेरे पास 7a प्लस b है, और यहां पर कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट है 1, तो a की जगह मैं रखूंगा 1/4, तो 7/4 प्लस b इज इक्वल टू 1 है, तो b बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 7/4 कितना हो जाएगा, b बराबर माइनस का 3/4, तो मेरे पास a कितना आ रहा है 1/4 और b कितना आ रहा है मेरे पास, b आ रहा है मेरे पास 3/4, ये दो वैल्यूज निकल के आ गई हैं। अब a और b की वैल्यूज को भी हमें यहां पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखिए न्यूमिरेटर जो 1 + 2v था उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, a मतलब 1/4 इंटू 8v प्लस 7, बी की जगह मैं क्या लिखूंगा माइनस का 3/4 अपॉन डिनोमिनेटर, जो कि हमारे पास कितना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है 4v² प्लस 7v माइनस 2, यहां पर भी डिनोमिनेटर 4v² प्लस 7v माइनस 2, साथ में dv इधर भी, dv इधर भी, इंटीग्रेशन लगाइए, इंटीग्रेशन लग जाएगा, और मैं माइनस साइन को चाहूं तो मैं बाहर लिख सकता हूं यहां इंटीग्रेशन के बाहर, और इज इक्वल टू क्या है -1/2 dx बाय x, इतना हो चुका है। अब यहां तो आप t पुट करेंगे तो सीधा सीधा ऊपर dt आपको मिल जाएगा, 1/4 तो है ही है, तो ये तो हो गया dt बाय t। अब यहां पर -3/4 है, यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, पर उसके लिए आपने 4 और कॉमन ले लिया, एक और 4 बाहर ले लिया डिनोमिनेटर का, तो मेरे पास क्या बचा dv अपॉन क्या बचेगा, तो यहां बचेगा v² प्लस 7/4v -1/2। अगर मैंने क्या लिया 4 कॉमन लिया है, तो 4 कॉमन लेंगे तो 2/4 मतलब 1/2 बचेगा, इज इक्वल टू -1/2 dx बाय x। अभी तक हमने इंटीग्रेशन कहीं भी नहीं किया, 1/4 dt बाय t तो चलिए है ही। अब ये हो गया है -3/16। अब यहां पर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जो कि हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड, वी का कोफिशिएंट 7/4, उसका आधा क्या होगा 7/8, तो आपको क्या करना पड़ेगा v² प्लस 7/4v -1/2, आपको यहां पर प्लस 49/64 -49/64, भाई v के कोफिशिएंट का आधा करोगे तो 7/8 ही तो आएगा, उसी का होल स्क्वायर प्लस माइनस करना है, -1/2 dx बाय x, ये हो गया। तो 1/4 dt बाय t -3/16 dv अपॉन में देखिए क्या आएगा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये प्लस 49/64 मिलकर ये वी प्लस 7/8 का बनाएंगे होल स्क्वायर, और बाकी बचेगा क्या मेरे पास, मेरे पास बचेगा यहां पर एलसीएम लेने पे -64 और बचेगा 32 + 49, तो 32 + 49 कुछ नहीं होगा भाई 81। अब एलसीएम तो ले ही लेंगे भाई, इन दोनों टर्म्स का आपको एलसीएम लेना, 81/64 आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो गया -1/2 dx by x। अब हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि ये 9/8 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब मैं लगाता हूं फॉर्मूला। देखिए 1/4 तो है ही, सबसे पहले ये हो जाएगा log of t -3/16, ये होगा 1/2a, a की जगह मेरे पास क्या है 9/8, क्योंकि ये तो 9/8 का ही तो स्क्वायर है, तो 1/2a log v प्लस 7/8 -9/8 अपॉन v प्लस 7/8 प्लस 9/8, ये हो गया, और इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 log x प्लस log c, इतना हो चुका है। अब जो जो मैं चीजें और कर सकता हूं वो क्या है कि ये जो 8 है और 16 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर पे 2 बचेगा, और 2 पूरे में से इधर से कॉमन ले सकते हैं आप, इधर पे हालांकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता,
आप चाहे तो इंटू टू अपॉन टू कर सकते हैं, पर ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट में कुछ नहीं है। अब टू पूरे में से कॉमन लेके काट दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, टू बचेगा। अब ये हो गया मेरे पास log t by 2, मतलब 1 by 2 log t। फिर मेरे पास यहां पे बचा है माइनस 3 by 2, 3 by एक तो 2 है और एक 9, अच्छा इसको भी कैंसिल आउट करेंगे हम तो बचेगा माइनस 3 by 6, सॉरी माइनस 3 by 6 क्यों, माइनस का सिर्फ 1 by 6, 1 by 6 log, ये हो जाएगा 8v माइनस 2, 8v माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 8v प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स और प्लस जो कांस्टेंट है मैं उसको इस बार सी ना लिख के मैं इस बार लॉग के लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर से क्या किया था 2 कॉमन लिया था, तो 2 कॉमन लिया था तो आप यहां पे क्या कर दीजिए इंटू टू अपॉन टू लगा दीजिए कि 2 मैंने कॉमन लेके काट दिया, तो ये जो ट्वाइस ऑफ लॉग सी मैंने लॉग के लिख दिया ऐसा कुछ। अब अगला स्टेप ये होगा कि हम क्या लिखेंगे इसे, लॉग टी की पावर 1 बाय 2 माइनस या फिर प्लस ही लगाओ लॉग 8v माइनस 2 अपॉन 8v प्लस 16 की पावर आएगी माइनस का 1 बाय 6 इज इक्वल टू लॉग के बाय एक्स, इतना हो चुका। अब लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन का फॉर्मूला लगाइए, तो आप कहेंगे कि सर ये तो हो जाएगा लॉग ऑफ एम इंटू एन टी की पावर 1 बाय 2, यहां पर से 2 कॉमन ले लीजिए तो 4v माइनस 1 अपॉन 4v प्लस 8, 4v प्लस 8 की पावर क्या हो जाएगी माइनस 1 बाय 6 इज इक्वल टू लॉग के बाय एक्स, के बाय एक्स तो इतना हो गया, अच्छा के बाय कैपिटल एक्स लिखना है आपको, तो लॉग हो गया एलिमिनेट। अब जो चीजें बची हुई हैं, पावर को मैं पॉजिटिव बनाने के लिए टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो पावर मेरी पॉजिटिव बन जाएगी, और साथ पहले मैं स्क्वायर कर देता हूं सीधा सीधा, पहले स्क्वायर करते ताकि टी का ये टी हो जाएगा और ये हो जाएगा 4v माइनस 1 अपॉन 4v प्लस 8 की पावर हो गई माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू के बाय एक्स, इतना हो गया और ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स। अब टी की जगह सब्स्टिट्यूशन करो, टी आपने क्या लिया था, इस टर्म को टी लिया हुआ था, और इस टर्म को अगर आप टी लेंगे तो मैंने पहले बताया इसको तो आप स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को, इसको हम स्प्लिट करेंगे फिलहाल, पहले तो मैं क्या लिख दूं टी की जगह 4v स्क्वायर प्लस 7v माइनस 2, ये है टी की वैल्यू। ये जो टर्म है इसको आप इंटरचेंज कीजिए ताकि ये जो पावर नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाए, ये हो जाएगा 4v प्लस 8 अपॉन 4v माइनस 1 की पावर हो जाएगी प्लस 1 बाय 3 इज इक्वल टू के बाय एक्स, इतना हो गया। अब जो मैं स्प्लिट करने की बात कर रहा था वो मैं क्या कह रहा था कि 4v स्क्वायर इसे 8v माइनस ऑफ v और माइनस 2 आप लिख सकते हैं भाई, और यहां पर क्या हो जाएगा 4v प्लस 8 अपॉन 4v माइनस 1 की पावर 1 बाय 3 इज इक्वल टू के बाय एक्स, इतना हो गया। अब यहां पर इतना सब करने के बाद अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं तो आप कहेंगे कि सर 4v कॉमन आ रहा है, 4v कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 4v कॉमन लेने के बाद इधर बचेगा v प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो v प्लस 2 बचेगा, इतना हो गया। अच्छा यहां पर ये जो टर्म है ये हो जाएगा 4v प्लस 8 अपॉन 4v माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी यहां पर 1 बाय 3 होल पावर 1 बाय 3 इज इक्वल टू के बाय एक्स, तो इतना हमने निकाल लिया है। तो इस टर्म को और सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिखूंगा 4v माइनस 1 इंटू वी प्लस 2, यहां पर भी क्या है मेरे पास, अगर मैं 2 कॉमन, हालांकि हम नेक्स्ट स्टेप में ले ही लेंगे, ये हो जाएगा 4v प्लस 8 अपॉन 4v माइनस 1 की पावर 1 बाय 3 इज इक्वल टू के बाय एक्स, इतना आ गया हमारे पास। तो अब मैं इन सबको इरेज करके आपको मिलता हूं नेक्स्ट वाली स्लाइड में, क्योंकि अभी हमें वी की वैल्यूज भी रखनी है और एच और के की भी हमें क्या करनी है, वैल्यूज अभी पुट करनी है, क्वेश्चन अभी काफी सिंप्लीफाई होने को बचा है।